शहर की चहल पहल से दूर बादलों के बीच पहाड़ों में बसता है मेरा गांव, और ये छोटा सा घर है मेरा जिसका नाम है संतोष। गुड मॉर्निंग, नमस्ते। आज हम आपके लिए वो वीडियो लाए हैं जो हमारे चैनल का आई गेस वन ऑफ द मोस्ट वांटेड वीडियो है। वो है मेरे ससुराल का होम टूर। इस वीडियो में आपको बहुत मजा आने वाला है क्योंकि इसमें आपको बहुत अलग अलग तरह की चीजें देखने को मिलेगी। है तो ये घर गांव में बट एकदम शहरी तरीके में बना है, तो आइए अंदर जाके देखते हैं। बट उससे पहले मैं आपको इस घर का नाम बता देती हूँ। इस घर का नाम है संतोष निवास। संतोष का मतलब होता है कंटेंट, हैप्पीनेस। जो इस घर के अंदर लोग रहते हैं वो भी कंटेंट है और बहुत खुश रहते हैं। और जब आप लोग भी हमारे साथ अंदर चलेंगे, मैं उम्मीद करूंगी कि आप सब लोगों को भी वही वाइब महसूस हो। आइए। घर एंटर करने के लिए मुझे किसी चाबी की जरूरत नहीं है, यहाँ चलेगा मेरा थंब इम्प्रेशन। नहीं नहीं, अपना ही घर है ये। घर एंटर होती ही है हमारा लिविंग एरिया, जहाँ पे बहुत अच्छा स्पेस है बैठने के लिए, और साथ ही साथ यहाँ पे हर वॉल पे आपको कुछ ना कुछ लगा मिलेगा जिसको सबने बड़े टेस्टफुली लगाया है। सबकी थोड़ी थोड़ी चॉइस तो रही है, ऑफकोर्स घर तो सबकी चॉइस से ही बनेगा। सो अगर मैं इस वॉल से शुरू करूँ तो ये जो आर्ट वर्क है ये रजत को बहुत पसंद है, एंड जिसमें थोड़ा मंडला की तरह आर्ट बना है वो मुझे बहुत पसंद है, और मम्मी पापा को ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लग रहा था तो इसलिए हमने इसको ऐसे रखा। एंड जो वॉल की पेंट का कलर भी है वो भी ऐसा ही है, इस साइड हमने ग्रे रखा था, और बाकी सारी वॉल्स अगर आप नोटिस करेंगे तो वो वाइट है, क्योंकि हम ज्यादातर घर का ऑरा पॉजिटिव चाह रहे थे, तो इसलिए शांत रहे, पॉजिटिव रहे, इसलिए सारी वॉल्स आपको ज्यादातर वाइट देखने को मिलेगी। तो जो यहाँ पे फ्लावर्स रखे है, जो मम्मी है, मेरी सास जी है, उनको फूलों का बहुत ज्यादा शौक है, और ऐसे रंग बिरंगे फूल गर्ल्स को अक्सर पसंद आते ही, और ये घर को ज्यादा लाइवली भी दिखाते हैं, तो हमें ये बहुत अच्छे लगे इसलिए हमने ये यहाँ लगा दिए। और ये मूछ वाला प्लांट है जो इतना बड़ा, ये रजत की चॉइस है, और मुझे ऐसा हमेशा लगता रहता है तो बहुत बड़ा ये क्यों लगाया है यहाँ पे, बट फिर भी क्योंकि रजत को लगाना था हमने इसे। ऐसा कुछ नहीं है, ये बहुत अच्छा लगता है, आप कमेंट करके बता सकते हैं। ये मुझे ऐसा लगता है कि किसी की इतनी बड़ी बड़ी मूछें है, तो देखो तो मूछे तो शान होती है ना इंसान की, ये होनी चाहिए, शान एकदम सामने रखी है। ये आपने रिसेंटली लगाया था, आपने देखा ही होगा। एग्जैक्टली, तो ये फ्रेम्स हमने ऐसे ऑनलाइन ऑर्डर कर दिए थे, अच्छे लग रहे थे दिखने में, तो हमने सोचा इस वॉल में लगा लेते हैं। आइडियली हमने इस वॉल के लिए कुछ और सोचा था जो कहीं और लग चुका है। मम्मी चाह रहे थे कि यहाँ पे फैमिली फोटो लगे, कुछ ऐसा करते हैं, तो यहाँ पे उस टाइम तक वो फैमिली फोटोज हमारे पास थी नहीं, तो हमको ये वॉल खाली लग रही थी इसलिए ये लगा दिया। और ये जो वॉल रजत को आपने अगर पिछला व्लॉग देखा होगा, थोड़ी ऑफ लग रही थी, इसको हमने यही रखा क्योंकि सबने यही बोले कि ये अच्छी लग रही है। नहीं, मैंने ट्राई किया इस पे दूसरी घड़ी लगाने का, बट वो इससे भी ज्यादा ऑफ लग रही थी, तो मैंने यही रखा। खुद ही ऐसा हो गया कि ये वाली सही है। सो इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ ये वाला साइड। यहाँ पे आपको एकदम पूरा वो गांव वाला फील आएगा, गांव की वाइब है, बाहर हरे भरे खेत दिखते हैं, थोड़ी प्लांटेशन दिखती है, ग्रीनरी दिखती है, मन खुश हो जाता है इसको देख के। और ये हमने कल ही लाया एक्चुअली, और ये प्लांट्स तब के हैं जब रूबी दीदी और रोहिणी दीदी, मेरी दोनों बहनें इधर आई थी, उन्होंने ये प्लांट्स हमें गिफ्ट किए थे, ये बोल के कि एक रजत है एक नैना है, बड़े अच्छे से खिल रहे हैं, फुल रहे, इसको देख के हमें रजत बड़ा हो गया, देखो नैना थोड़ी सी छोटी हाइट में, किस चीज में चलिया खिलने वाली है। वाह, और ये बीच में ये है हमारा पुश्तैनी रेडियो, ये पापा को बहुत ज्यादा पसंद है इसलिए हमने संभाल के इसे पुराने घर से यहाँ पे लाके रख दिया है। और फिर उसके बाद एज यूजुअल हर घर में रहते तो दो लोग हैं, पर इतनी ज्यादा ब्रशेस होती है जिसका कोई पता नहीं होता कि किसकी कौन सी ब्रश है। और ये एप्पल की पेटी आपको दिख रही होगी, नैना के घर से आई है जो आपने शिमला हम लाए थे, पहाड़ी बहू ऐसे तो खाने पड़ेंगे अब आपको। और ये है हमारा लिविंग एरिया जहाँ पे हम बैठ के इत्मीनान से टीवी देखते हैं या फिर गेम्स भी खेलते हैं हम, जैसे लूडो होगी कुछ ऐसी जिसमें चार लोग होते हैं, तो बहुत मजा आता है, और साथ ही साथ यहाँ बैठ के हम खूब गप्पे भी मारते हैं, एंजॉय भी करते हैं। जब मूवी देख के या फिर गप्पे मार के भूख लगती है तो हम जाते हैं वहां किचन की ओर।
मुझे सबसे अच्छा लगता है इस किचन का कॉम्बिनेशन, इतना मतलब क्या बोलूं, सूदिंग सा है, आंखों को देख के मजा आ जाता है। आइए आपको भी दिखाती हूँ। सो किचन में सबसे पहले आपको फ्रिज दिखेगा, उसके बाद यहाँ पे एक बहुत सुंदर सा कैबिनेट है जहाँ पे हमने क्रॉकरी को डेकोरेट करके रखा है, और उसी के साथ में स्टोरेज एरिया है, और यहाँ पे ओवन है, और इस ओवन के ऊपर सारा बेकिंग का सामान है। हम सबको, खास तौर से मुझे और रजत को तो बेकिंग बहुत ज्यादा पसंद है, इसलिए हमने अपना जुगाड़ करके रखा है। जब मन करता है ब्रेड्स बना लेते हैं, जब मन करता है कुकीज बना लेते हैं। सो घर आके इन चीजों में तो हमें बहुत मजा आता है। और इस घर में आपको ग्लास की क्रॉकरी कुछ ज्यादा ही मिलेगी, क्योंकि रजत को कुछ ज्यादा ही शौक है। इतना भी शौक नहीं है ना। नहीं, एक सेकेंड, यहाँ पे तो आपको दिख ही रहा होगा ग्लास की क्रॉकरी है, और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं। बस इतनी है, मैंने ऑर्गेनाइज करके रखी है, वो अलग बात है। हाँ वो भी है, रजत को एक तो ये इन चीजों का शौक है, दूसरा ऑर्गेनाइज करके चीजों को रखने का बहुत ज्यादा शौक है। इसलिए मैं आज ज्यादा काम करती नहीं, क्योंकि मुझे पता है रजत को वो पसंद नहीं आएगा, बाद में उसने खुद ही करना है। तो इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे भी स्टोरेज है, सारा स्टोरेज का है ऊपर, और यहाँ पे हमारी गैस है, चिमनी है, और उसके बाद वाटर प्योरिफायर है, और यहाँ पे हमारा यूटेंसिल्स के लिए ड्राइंग सेक्शन है। और इससे आगे चले तो यहाँ पे ये स्लैब है जिसको हम एज डाइनिंग टेबल यूज करते हैं, और इसमें भी स्टोरेज है। इस घर में स्टोरेज की बिल्कुल कमी नहीं है, आपको हर जगह भर भर के स्टोरेज मिलेगी। और इस स्लैब पे हम अपना खाना बनाकर रखते हैं, ऑफकोर्स बनाते हुए रखते हैं यहाँ पे है। और फिर उसको बनाते बनाते अगर मन अच्छा करना हो तो सामने इतने अच्छे थॉट्स रखे हैं हमने, जिसको देख के मन खुश हो जाता है। लिव सिंपल, ड्रीम बिग, बी ग्रेटफुल, गिव लव, लाफ लॉट्स, हा हा हा, और ईट ड्रिंक एंड बी हैप्पी। तो चलो मैं आपको बेडरूम्स दिखाती हूँ। और हाँ, सबसे जरूरी, सेव इलेक्ट्रिसिटी। तो अब यहाँ से हम ऊपर जाएंगे, बट ऊपर जाने से पहले मैं आपको ये फोटोज दिखाना चाहती हूँ जो हमने बड़ी चुन चुन के लगाई है। ये स्टार्टिंग में है शिवानी दीदी, फिर है मम्मी पापा, और फिर है मम्मी की जवानी की फोटोज। अब मैं आपको एक बड़ी सारी फोटोज का ग्लिम्स दे देती हूँ, आप सब लोग देखो और बताना मुझे आपने पहचाना है कि कौन कौन है, और कौन सी फोटो किस टाइम की है, मुझे कॉमेंट करके जरूर बताना। और यहाँ आते एक और मिनी हॉल है जहाँ पे आपको सबसे पहले तो हमारी ये वेडिंग डेट मिलेगी, और ये हमको स्पेशली हमारे किसी सब्सक्राइबर ने बना के दी थी। और अब चलते हैं इस ओर, आपको याद होगा ये हमने कहाँ से लिया था, ये हमने किसी रिलेटिव की शॉप से लिया था, जो कि मुझे तो बहुत मजा आता है खेलते हुए, बट रजत को ऐसा होता है नैना दीवार पे दाग आ जाएगा, ज्यादा नहीं खेलना, इसलिए अभी मैं ज्यादा नहीं खेलूंगी। सो यहाँ पे भी हमारा एक छोटा सा क्यूट सा सिटिंग एरिया है, और ये प्यारी सी विंडो है जिसको देख के मुझे तो बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही ज्यादा लाइवली है। और इसमें ये रजत ने छोटे 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 प्लांटर्स लगाए जो कि बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। और इसके बाद है यहाँ पे हमारा रूम। बेडरूम्स दिखाने से पहले मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग जगह दिखाती हूँ, वो है ये ओपन टेरेस जो यहाँ खिड़कियों से वैसे भी आपको दिख रहा है। ये जगह हम सब बहुत ज्यादा एंजॉय करते हैं, गर्मियों में हम यहाँ पे शाम शाम को जाते हैं, और सर्दियों में यहाँ पे दिन दोपहर धूप सेकने जाते हैं। इतना सुंदर व्यू है, आहा। और देखिए अभी मेरा स्वागत हो रहा है तो इस ठंडी ठंडी हवा के साथ, इतनी गर्मी होती है यूजली यहाँ पे, बट अभी पता नहीं कैसे एकदम से हवा चलने लगी। और साथ ही में ये पेड़ भी है, जब आपने शुरू में देखा होगा ना तो ये पेड़ जरूर दिखता है, और ये घर के एकदम साथ लगता है, तो गर्मियों में हमको अच्छी सी ठंडी सी छाया देता है, और सर्दियों में सूख जाता है तो अच्छे से धूप घर के पूरे अंदर तक आ जाती है। और अगर इस साइड देखेंगे आप तो यहाँ पे भी सब कुछ हरा भरा सा है, और साथ ही में यहाँ नीचे मम्मी वाला किचन गार्डन है जो आपने देखा होगा पिछले ब्लॉग में जब हमने इससे हार्वेस्ट की थी अपनी वेजिटेबल्स। और इसी के साथ में यहाँ गाड़ी लगी है, और एंट्रेंस तो आपने देख ली है कि कहाँ से है। तो अब चलते हैं बेडरूम्स देखते हैं। आइए मैं आपको हमारा बेडरूम दिखाती हूँ। वाओ, कितना अच्छा है ये, इतना साफ सुथरा मैंने भी पहली बार देखा। एक्चुअली आज जब भी हम आते हैं तो बैग्स वगैरह होते हैं, कभी यहाँ सामान पड़ा है, कभी वहां सामान पड़ा है, स्पेशली आप लोगों के लिए हमने इतनी सफाई की है तो प्लीज इसके लिए थोड़ी बहुत तारीफ तो बनती है। सो ये हमारा बेडरूम है, यहाँ पे हमने हर बेडरूम में स्पेस इसलिए छोड़ा है क्योंकि मैं ये चाहती हूँ कि सबकी शादी की फोटोज उधर है, बड़ी बड़ी फ्रेम करवा के, मुझे बड़ा शौक है ऐसा, पता नहीं क्यों। सो अभी ये स्पेस एक्चुअली ये वाला यहाँ पर टांग 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 ऐसे लगेगा। और यहाँ हमने सोचा था कि हम अपना वर्क स्टेशन बनाएंगे, बेसिकली एक टेबल बनाएंगे और वहाँ लैपटॉप और प्रॉपर हमारा मतलब अच्छा स्टूडियो सॉर्ट ऑफ अ थिंग हो, मिनी स्टूडियो, बट अभी तक वो नहीं है। तो आगे जब टाइम मिलेगा इसका तब काम करेंगे, फिलहाल हम ऐसे रह रहे हैं। और सबसे बेस्ट पार्ट इस बेडरूम का बताती हूँ आपको मैं, ये विंडो है जहाँ से मोर दिखता है, डांसिंग मोर दिखते हैं, वो जो नीचे खेत है ना हमको वहाँ पे नाचते हुए मोर दिखता है, पहली बार देखे थे।
वहाँ नीचे मतलब इन खेतों में दिखी जाते हैं। कम से कम 5-6 मोर थे वो एक साथ ही, इतना अच्छा लग रहा था देखे। तो तब से मुझे एक ख्वाहिश हुई है कि मैं नजदीक से मोर देखना चाहती हूँ। जितनी बार भी मैं वॉक पे गई हूँ, कितनी बार दिखाया है तुमको, तुमने उड़ता हुआ तो देखा है? नहीं देखा है मैंने, उड़ते हुए तो देखा है। ऐसे नहीं होता है, पापा कहते हैं अरे जब भी मैं वॉक पे जाता हूँ ऐसे चल रहे होते हैं रोड क्रॉस करके जाते हैं, और जब भी मैं गई हूँ तो दिखते ही नहीं है मोर। मोर दिखना तो दूर की बात है, आवाज तक नहीं आती उनकी। तो चलो ये किस्सा मैं आपको कभी और सुनाऊंगी आगे, अभी चलते हैं शिवानी के रूम से। अब इसी के साथ में दूसरा रूम है जो है शिवानी का रूम, आइए। सो ये रूम भी बिल्कुल सेम है, सारे रूम्स एक्चुअली एक जैसे ही है। और यहाँ पे जो इनकी विंडो है, इसकी खास बात पता है क्या है कि जो राइजिंग सन है वो यहाँ से आता है, तो सुबह की पहली किरणें यहीं पे आती है। आपको दिखाती हूँ, हाँ। और ये है एक सिट आउट एरिया जो आपको हर कमरे में देखने के लिए मिला होगा। ये आइडिया रजत का था एक्चुअली, जब यहाँ के जो आर्किटेक्ट थे वो डिजाइन कर रहे थे ना, उनको टोक टोक के रजत ने बताया कि ये चीज मुझे ऐसे चाहिए वैसे चाहिए। तो रजत बहुत पर्टिकुलर था क्या चीज कैसे चाहिए, बिकॉज ही वाज क्लियर इन हिज माइंड। और ये ऑफ कोर्स आफ्टर कंसल्टेशन फ्रॉम द हेड आर्किटेक्ट। और ये डिजाइन बाहर से भी बहुत अच्छा दिखता है, एंड प्लस इसमें यहाँ पे स्टोरेज भी है, एंड अगर कोई एक्स्ट्रा हो जाए कभी घर पे लोग तो ये एक प्रॉपर बेड का साइज 7 फुट का है ये एक्चुअली। इतना बड़ा इंसान कोई होगा नहीं, बट फिर भी हमने बना दिया कंसिडरिंग। अच्छा एक चीज तो बताई नहीं मैंने, कंसिडरिंग इस घर के लोगों का साइज, सब इस घर में इतने लंबे हैं। आपको एक चीज दिखाती हूँ मैं। अब मुझे कोई कहेगा कि नैना गर्मी लग रही है विंडो खोलना, तो ये देखो यहाँ इतनी ऊपर है विंडो, मैं कैसे पहुंचूंगी, मैं ऊपर पहुंच ही नहीं पाती हूँ, इतना बुरा हुआ मेरे साथ। तो इसके लिए शिवानी ने भी यहाँ पे एक स्टूल रखा है, अपने साथ हमेशा एक स्टूल रखती रहती हूँ क्योंकि ऊपर ही नहीं पहुंच पाती इस घर में, तो सब लंबे लंबे। सो इसी के साथ अब हम आपको इस घर का मेन रूम दिखाते हैं जो कि मम्मी पापा का रूम है और मास्टर बेडरूम है। सो ये है मम्मी पापा का रूम जो है मास्टर बेडरूम। इस रूम की खास बात क्या है कि ये गर्मियों में गर्म, नहीं, इस रूम की खास बात यह है कि गर्मियों में ठंडा और सर्दियों में गर्म रहता है। और इसको मम्मी पापा ने अपने शौक से और अपनी फोटोज के साथ थोड़ा क्या बोलूं मैं, अपना टच दिया है। ये मम्मी पापा के जवानी के दिनों की फोटो है, और साथ ही साथ ना यहाँ पे भी इन्होंने फोटो, मम्मी ने हर जगह फोटो लगाई एग्जैक्टली। वो पापा के ऑफिस के दिनों की है, और वो नीचे है जो वही उस फोटो के साथ छोटी, वो छोटी शिवानी है, वो छोटे, और ये मैं और शिवानी है। यहाँ मैं क्यूट नहीं हूँ बिल्कुल, वैसे मैं क्यूट था। ये मम्मी की जवानी की है, ये मैं हूँ, ये क्यूट ही है फिर भी खुद से ही। तो ये है मम्मी पापा का रूम, और ये जो यहाँ पे स्टफ टॉयज दिख रहे हैं ना आपको, ये मम्मी ने खुद बनाया है। एग्जैक्टली, मैं वही बताना चाहती थी, ये मम्मी ने खुद बनाया है। मम्मी को आर्ट एंड क्राफ्ट का बहुत ज्यादा शौक रहता था, और मम्मी ये सब बनाते भी थे, और अब मुझे भी कोइंसिडेंटली ये शौक है आर्ट एंड क्राफ्ट का। बट कभी टाइम नहीं मिलता मैं बनाऊं, पर मिलेगा तो मैं जरूर बनाऊंगी। और ये था मम्मी पापा का रूम, मुझे उम्मीद है आपको ये देख के अच्छा लगा होगा। अभी हम जा रहे हैं घर की टॉप फ्लोर में जहाँ पे मंदिर है। मंदिर में एंटर होते ही आपको ये फोटोज दिखेगी, ये रजत के स्वर्गीय दादाजी है, स्वर्गीय दादी जी है, और ये नाना जी और नानी जी, और यहाँ पे हमारा मंदिर है। और इसी के साथ मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये देख के मजा आया होगा। अगर मजा आया तो जरूर हमें कमेंट करके बताएं, और इस वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए अगर आपको कोई और वीडियो देखना है वो भी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, फिर हम आपके लिए वो वाला वीडियो लेके आएंगे। और मिलते हैं जल्द ही, बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून। वैसे तो हम बिहाइंड द सीन्स आपको ज्यादा नहीं दिखाते, लेकिन इस व्लॉग के बिहाइंड द सीन्स जरूर देखो यार, हमने कितनी मेहनत करी है। पिछले व्लॉग में आपने देखा होगा कि होम टूर प्रिपरेशन शुरू हो गई है, लेकिन ये प्रिपरेशन ना होम टूर शूट करने से एक रात पहले तक चली रही। अभी हम मार्केट से जाके ये चेस्ट जैसी एक चीज़ लाए, क्योंकि हमको एक कॉर्नर खाली दिख रहा था, और हमारे घर में काफ़ी सामान था जो एडजस्ट नहीं हो पा रहा था, तो ये बहुत ज़रूरी था। ये रात को लाकर हमने एक जगह सेट किया, उसके बाद हमने फोटोज डेवलप कराई, बहुत काम किया। आगे देखो ज़रा, बहुत अच्छी है, वाओ, ये भी रखते चल, फिर बहुत हो जाएगी। नहीं ठीक है, बस हो गया। ये दो लग रहे अच्छे, ये तो यही अच्छा लगता है। ये फोटोज है मम्मी की, ये फोटो कितनी बढ़िया है, मेरी क्यूटनेस दिखा, मेरी क्यूटनेस कितना क्यूट होता है, मेरी बहन डिप्रेस्ड बेबी कुटके मार। ये हमने तीनों कपल्स की बड़ी फोटो कराई आप लोगों की, ये
शिवानी शुभम भैया की ये और हमारी ये फिर अच्छा उसके बाद बहुत ही अच्छा फैमिली फोटो, इसी में तो बहुत टाइम गया। फिर ये आप चारों की फोटो चाहती थी ऐसी फोटोज हो, फिर अपन नकली डांस कर रहे हैं इसमें आपके लाल के साथ फोटो, फिर आपके पीले के साथ आपकी फोटो, फिर ये है ससुर जी और ये है उनकी बहू और ये महारानी ससुर जी की वाइफ। यार इसमें तो मम्मी भाई मुझे भी यही फोटो देख के शॉक हुआ कि मैंने अपना क्लोजअप वाला लेना है। ये ना मैं सारी जिंदगी सोचती रही कि मैंने ऐसी ऐसी फोटोज बनानी है हाँ। पर जो तुमने मौका नहीं मिलता। हाँ मैंने बोला तो था तुम्हारे पास, पर तुमने जो किया ये समझ लेती खुद ही। देखो फ्रेम्स तो रजत ने ऑर्डर किए ना, तुम वो समझ लेते हो कसम से। दिल से दिल का कनेक्शन है, बहुत कनेक्शन है। सबसे प्रिसिजन वाला काम पकड़ा है मिस्टर रजत शर्मा ने, हाईली प्रिसाइज्ड। प्री प्रोडक्शन स्टेज, पोस्ट प्रोडक्शन स्टेज एंड वी आर प्रोड्यूसर्स। फाइनली सारी फोटोज रेडी है, एक के साथ एक फ्री चौंसी लेनी ले लो। दीवार पे लगने के लिए सारी फोटोज है रेडी और ये जितना देखने में आसान लग रहा है उतना था नहीं, हमने बहुत मेहनत करी है सिर्फ आप लोगों के लिए ताकि आपको ये सारी चीजें जैसे हमने विजुअलाइज करी थी ना वैसे दिख सके। एंड इफ यू आर मिसिंग दिस क्यूट किड आई एम हियर। क्यूट किड सही बात है, बहुत क्यूट है। मुझे पता तेरा सार्केज्म बट आई वॉज क्यूट, आई वॉज वेरी क्यूट। आई स्वेयर दिस किड इज वेरी क्यूट। दिस आप लोग कमेंट करके बताओ कि क्या मुझ में कोई कमी थी। ये नैना मुझे बड़ी चिढ़ाती है कि तू बचपन में क्यूट नहीं था। ऐसा नहीं है बट मैं ये कहती हूँ कि शिवानी बहुत ही ज्यादा क्यूट है, ऐसा लग रहा है डॉल रखी है साथ। मुझे देख मैं कितना हसमुख बच्चा था। हाँ मेरे हिसाब से ठीक है, फिर यहाँ से ऊपर ऐसे टेढ़े को जाएगा ना, साढ़े पाँच फुट उट।